विभिन्न मांगों के समर्थन में सफाई कर्मचारियों ने आज सिलीगुड़ी नगर निगम के सामने कचरा फेंक किया जमकर विरोध प्रदर्शन। आज सफाई कर्मचारियों ने सिलीगुड़ी नगर निगम के सामने कचरा फेंक प्रदर्शन किया है। मिली जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी नगर निगम के 47 वार्डों के 2771 स्थायी और अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन का शुरुआत सफाई कर्मचारियों ने बागा जतिन पार्क के सामने से एक धिक्कार रैली निकाल कर की। रैली जैसे ही सिलीगुड़ी नगर निगम पहुंची, सफाई कर्मचारियों ने कचरा फेंक विरोध प्रदर्शन करने लगे। गौरतलब है कि उत्तर बंगाल सफाई कर्मचारी समिति कई दिनों से सफाई कर्मचारियों के स्थायीकरण, वेतन वृद्धि सहित कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सिलीगुड़ी नगर निगम उनकी मांगों को कोई महत्व नहीं दे रही। यही कारण है कि उन्होंने इस बार हड़ताल पर जाने का फैसला किया। समिति के अध्यक्ष किरण राउत ने कहा कि वेतन वृद्धि सहित कई मांगों के समर्थन में काम बंद कर धिक्कार रैली निकाली गई है। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी के साथ साथ अन्य जिलों के सफाई कर्मचारियों ने भी अपने काम को बंद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, उनका आंदोलन चलता रहेगा। আমাদের কথা হচ্ছে যে আমাদের দশ দফা দাবি নিয়ে আমরা আজকে আন্দোলন শুরু করেছি। আমাদের দাবি আছে যে 30 বছর 35 বছর সাফাই কর্মচারী যারা কাজ করছে তাদেরকে অবিলম্বে পারমেন্ট করতে হবে, না হলে তাদেরকে 18 থেকে 19 হাজার টাকা তাদের মাইনা দিতে হবে এবং তাদের মেডিকেল বেনিফিটটা দিতে হবে। যাদের ড্রেনে কাজ করতে গেলে হাত পা কেটে যাচ্ছে, তারা ঝাড়ু দিতে গেলে কুকুর কামড়ায় নিচ্ছে, অনেক রকম অসুবিধা হচ্ছে, তাদের মেডিকেল ফেসিলিটিটা দিতে হবে। আমরা এই দাবিটা যতদিন সরকার প্রশাসন কর্পোরেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন না মানছে, আমরা এই আন্দোলনটা চলবেই চলবে। আর যতদিন আমাদের এই কাজটা হচ্ছে না, আমাদের সমস্যার সমাধান, আমরা সমস্ত সাফাইয়ের কাজ বন্ধ রাখবো।